हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स। बॉर्नर मैम आ गई है बॉर्नर ब्रिलियंस का आज का क्लास लेके, जहाँ पे आज मैम आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाएगी। मैथमेटिक्स में क्या सिखाएगी आज मैम? डबल डिजिट, कोई भी डबल डिजिट हो, उसका टेबल कैसे ट्रिकी प्रोसेस में किया जाता है, लाइक 78, 96, 87, ये सारे नंबर का टेबल। इंटरेस्टिंग है ना? तो सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड सीखते रहिए। फर्स्ट सीखते हैं हम लोग 83 का टेबल। 83 के टेबल में आपको 83 पहले लिखना है, फिर आपको क्या करना है, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सबको 3 का टेबल एंड 8 का टेबल अलग अलग से आता है ना? आता है। तो लिखना है यहाँ पे 3 का टेबल एंड 8 का टेबल, विच इज 3 ones are 3, 3 twos are 6, जिसको हम लोग लिखेंगे 06। ठीक है, सो 06 एंड नेक्स्ट विल बी 09, देन 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। फिर ऐसे ही हम लोगों को लिखना है 8 का टेबल, विच इज 8, देन 2 are 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 and 80। अब यही दोनों आंसर्स को हम लोगों को जोड़ना है। कैसे? फर्स्ट लास्ट में जो नंबर है वो एकदम लास्ट में लिख लेना है हम लोगों को, मतलब वंस हाउस में जो नंबर बैठेगा वो हम लोगों को पहले लिख लेना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, पहले जो नंबर है उसको जोड़ना है। पहले में यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 16, दैट मीन 16 के साथ हम लोग अगर 0 ऐड करेंगे तो दैट विल मेक 16 ओनली। फिर 24, 32, add 1, that will be 33, 40, plus 1 will be 41, 48, plus 1 will be 49, 56, plus 2 will make 58, 64, plus 2 will be 66, and 72, plus 2 will be 74, 80, plus 3 will be 83। तो मैजिक हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन ऐसे करने से बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप ऐसे करते हैं कोई भी नंबर, 83 की जरूरत मल्टीप्लिकेशन में नहीं है लेकिन डिवीजन में तो आता है। फिर जरूरत अगर है हम लोगों को 18 का टेबल, 19 का टेबल, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं 78 का टेबल। 78 के टेबल के लिए 78 को लिखना जरूरी है, फिर आपको क्या करना है, बीच में से लाइन ड्रॉ करना है। अब करना है टेबल, 8 का टेबल तो हम लोग पहले ही लिखे हैं, फिर से लिख लेते हैं। 1, 8 twos are 16, 3s are 24, 42, 40, 48, 56, 64, 72 and 80। अब लिखना है इस साइड में 7 का टेबल, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, then 60 and 70। याद है ना अभी क्या करना है? अभी हम लोगों को वंस डिजिट जो है वो एग्जैक्ट लिख देना है। यहाँ पे होगा 6, देन 4, देन 2, 0, 8, 6, 4, 2 and 0। दैट मींस लास्ट में जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर लास्ट में एग्जैक्ट बैठ जाएगा। अब बचा हुआ नंबर 8 के टेबल में से जो बचा हुआ नंबर है उसको 7 के टेबल के साथ हम लोगों को जोड़ना है। 14 plus 1 will make 15, then 21 plus 2 will make 23, 25 plus 4 that will make 49, 42 plus 4 will make 46, 49 plus 5 will make 54, 56 plus 6 that will make 62, 63 plus 7 will be 70, and 70 plus 8 that will make 78, and here is the answer of 78 table।
इजी है ना। तो ऐसे ही आप लोग पूरा जो भी डबल डिजिट का नंबर है, 48 हो जाए, 56, 63, कोई भी नंबर का टेबल आप लोग ऐसे बना सकते हैं। एग्जैक्ट यही टेबल आप लोगों को नहीं आएगा, बट हो ही सकता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाए आप लोगों का, कोई भी नंबर इंटू 63, कोई भी नंबर इंटू 78। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आप लोग नंबर्स को लेके प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों का एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे मजेदार कुछ सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, सीखते रहिए। एंड दूसरों को सीखने के लिए उन लोगों को बोलिए मेरे इस चैनल में आके सब्सक्रिप्शन कर लेने के लिए, एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके रखना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैम को कुछ भी सिखाए आप लोगों को, आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।